कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे लोहा बाजार में आज टीएमटी सरिये के मार्केट के बारे में। आज जानेंगे क्या कीमतें चल रही है टीएमटी सरिये में, क्या रेट देखा जा रहा है कुछ ब्रांडेड कंपनियों में टीएमटी सरिये का, विस्तार से इस बारे में बात करेंगे। इसके हमारे साथ आप खबरों में अंत तक जरूर बने रहिए। तो सबसे पहले इंगट के बाजार के बारे में बात करते हैं। इंगट के मार्केट में बाजारों में गिरावट के साथ कारोबार देखा जा रहा है। मार्केट में जो लेवल है वो 47,000 के नीचे आ चुका है मसिंगट का, और स्क्रैप के मार्केट में भी हड़ताल खत्म हो चुकी है, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी बाजारों में नहीं आई है। बात करते हैं कीमतों के बारे में, तो ब्रांडेड कंपनियों में भी बाजार एकदम से फ्लैट देखा जा रहा है। भारतम कंपनी का रेट 51,300, कामधेनु कंपनी की कीमतें 59,301 रुपए चल रही है। K2 कंपनी का रेट 58,431 रुपए, ज्योति कंपनी का रेट 58,812 रुपए देखा जा रहा है। इसके अलावा फॉर्च्यून कंपनी की कीमतें 59,699, प्रबल कंपनी का रेट 58,301 रुपए देखा गया, द्वावर कंपनी की 63,700 रुपए नहीं, दीपक कंपनी का रेट आप 51,000 रुपए मार्केट में देखकर चल सकते हैं। जवाहर कंपनी की कीमतें 57,800 है। शेर पंजाब कंपनी का रेट 59,311 रुपए है। अंबा कंपनी का रेट 56,300 रुपए बाजारों में देखकर चल सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं इंगट के बाजार के बारे में, तो इंगट के मार्केट में भी बाजारों में गिरावट के साथ ही कारोबार देखा जा रहा है। 46,600 रुपए पर इंगट का बाजार आ चुका है, और स्क्रैप की कीमतें 35,600 रुपए मार्केट में देखी जा रही हैं। ओवरऑल जो ट्रेंड है बाजारों में वो तो आपको यहाँ से निगेटिव ही, थोड़ा सा निगेटिव देखने को मिल सकता है, लेकिन ये जो गिरावट देखी जा रही है बहुत लंबे समय तक देखी नहीं जाएगी, और मार्केट में गिरावट थमने के साथ साथ मार्केट में 1 से 2 दिन बाद रिकवरी आने का भी अनुमान नजर आ रहा है। तो आज खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ मार्केट 24।